दोस्तों Realme अपना नया फोन Realme GT 5 Pro एक यूनिक स्पेसिफिकेशन के साथ आपके लिए लेके आने वाला है। इसमें 5400 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिल रही है और 4500 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। काफी सारे लीक्स और रूमर्स निकल के आ गए हैं, तो आज बात करने वाले इनके बारे में। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं Realme GT 5 Pro के बारे में। तो दोस्तों Realme GT 5 Pro के काफी सारे लीक्स निकल के आ गए हैं, मतलब इसका रिटेल बॉक्स कैसा रहने वाला है, इसका डिजाइन कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं दोस्तों इसमें आपको डिजाइन कैसे मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है और एक एलईडी फ्लैश देखने के लिए मिलेगी। कर्व एजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया गया है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो सेंटर लाइन पंच होल कटआउट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये तो बात हो गई डिजाइन के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन और भी कमाल की है। यहाँ पे इसमें आपको 6.78 इंच के साथ 1.5 के OLED BOE कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4500 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ, मतलब जो इसकी ब्राइटनेस और जो डिस्प्ले का लेवल होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। कलर्स काफी अमेजिंग आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको लेटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का। और यहाँ पे मिनिमम रैम 8GB और मैक्सिमम 16GB देखने के लिए मिल रही है। और स्टोरेज की बात की जाए तो 256 मिनिमम और 1TB मैक्सिमम आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे अगर कैमरे की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया आपको सर्कुलर मॉड्यूल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। इसमें प्राइमरी कैमरा आपको 50 megapixel का देखने के लिए मिल जाएगा, सेकेंडरी बताया जा रहा है 8 megapixel का देखने के लिए मिलेगा और थर्ड भी यहाँ पे 50 megapixel का टेलीफोटो प्रीस्कोपिक लेंस के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 32 megapixel का सेल्फी शूटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे अगर बैटरी की बात की जाए तो 5400 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 100 वोल्ट वायर्ड चार्जिंग की सपोर्ट, 50 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अगर इसके वेट की बात की जाए तो बताया जा रहा है इसमें आपको 220 ग्राम वेट देखने के लिए मिल रहा है, 9.2 mm थिकनेस देखने के लिए मिल रहा है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए सारी स्पेसिफिकेशन के साथ इसका प्राइस क्या रह सकता है, मतलब जो मुझे आइडिया है तकरीबन 55,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल और दबा दीजिएगा बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।